तो भाई रास्ता तो खराब है यहाँ का थोड़ा। तो भाई गेट हो चुका है बंद और गाड़ी वाले फंस चुके हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर काली माता जी का मंदिर बनाया है नया। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है और बाइक हो गई खराब मेरे दोस्त की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं नाग देवता मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है रिखोली गांव का। ये किमाड़ी जो गांव है बहुत फेमस गांव है। तो किमाड़ी से 3 किलोमीटर और आगे रिखोली गांव में ये मंदिर स्थित है। सबसे पहले आप ना यहाँ का ना मौसम देखो, ये देखो देहरादून का मौसम कैसा है, तेज़ धूप आ रही है। तो अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ का वेदर ना एक अलग ही होगा, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अलग। तो वीडियो में बने रहें आप, देखना आगे की खूबसूरती दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम ना नाग देवता मंदिर एक नए रास्ते से जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है वाली, तो वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये है गद्दूवाला चौक। फ्रेंड्स, आज वैसे जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा था नाग देवता मंदिर की, तो वैसे मैंने अपने फैमिली वालों को बोला था, अपनी मम्मी को, वाइफ को, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए क्योंकि घर में थोड़ा काम था ज़्यादा। तो आज मैं अभी फ़िलहाल अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं गद्दूवाला से थोड़ा ऊपर आया हूँ, मतलब गद्दूवाला ये पूरा, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गद्दूवाला गांव। तो कितना हरा भरा है और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर ये देखो खेत हैं, हरे भरे खेत हैं। बाकी ये देखो नीचे मक्की लगा रखी है, लेकिन ये थोड़ा मुझे लग रहा है ये गाय के लिए है, जो गाय का चारा ही है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मेरा दोस्त आ चुका है नितेश भाई, तो अभी हम दोनों जाएंगे यहाँ से नाग देवता मंदिर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे होंगे आगे की तरफ, तो ये है किमाड़ी चौक। तो एक रास्ता तो नाग देवता मंदिर के लिए ये जाता है सीधा किमाड़ी चौक से आगे, और एक रास्ता ये आला भी है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है सीमेंटेड रोड। तो इस बार हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि आपको एक नई लोकेशन दिखानी है, तो वीडियो में बने रहना आप। ओ गाय माता मानना मत। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ना इस रास्ते से ना बहुत कम लोग जाते हैं नाग देवता मंदिर, क्योंकि ये ना थोड़ा वैसे गांव वालों को ही पता है लोकल, लेकिन यहाँ की ना खूबसूरती है बहुत अच्छी है, बहुत अलग ही है यहाँ का व्यू। तो ये छोटा सा गांव है एक। और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग मिली है हमें। बस यहाँ का रास्ता ना थोड़ा वही है कि चढ़ाई है, ढाल है थोड़ा ज़्यादा, बाकी है थोड़ा शॉर्टकट लगता है मेरे को ये। तो देखो यहाँ पे पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखो पानी कितना ठंडा ठंडा पानी है। तो हम यहाँ से थोड़ा पानी भर लेते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अभी देखो क्या बढ़िया बना रखा। तो भाई साहब, यहाँ का ना जो मेन व्यू यहीं का है, जो कितना खूबसूरत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीनरी, और ये देखो नेहरू सी पतली सड़क, बहुत पुरानी सड़क है ये। और यहाँ से आगे मोड़ आएगा और आगे एक झरना आने वाला है बहुत खूबसूरत, तो वो दिखाएंगे आपको। और ये छोटा सा पुल है आगे। अगर आपको नेचर ब्यूटी देखनी हो तो यहाँ पर आ जाएं। देखो पानी आ रहा है। अगर हम ऊपर के रास्ते आते हैं ना तो इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया एक व्यू है यहाँ का, कितना खूबसूरत जगह है। अभी हम एक छोटे से पुल पे खड़े हुए हैं और ये देखो ये नज़ारा देखो पीछे का। और बस अब थोड़ी सी दूरी रह गया है बस हम नाग देवता मंदिर। तो भाई रास्ता तो ख़राब है यहाँ का थोड़ा, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाकों में रास्ता तो ख़राब हो जाता है बरसातों में। और ये तो भाई यहाँ पे शायद झरना भी है,
ये देखो क्या व्यू है यहाँ के झरने का, ये देखो ऊपर से आ रहा है पानी। चढ़ाई भी होगी ऊपर, मुझे बता दी उतरना होगा तो। भाई बहुत ख़राब रास्ता है यहाँ पर, ये देखो खड़ी चढ़ाई है और ऊपर से रोड, यहाँ देखो मैं तो यार चढ़ाई भूल भी गया था, मेरे को सिर्फ वही झरने वाली चढ़ाई आती, मैंने उसके बाद पहले होता भाई। तो भाई आगे और भी ख़राब रास्ता है, भाई नितेश भाई है जो गांव के खिलाड़ी हैं पुराने, इनका आदत है ख़राब रास्ते में गाड़ी चलाने का। और ये देखो हम पहुंच ही गए बस नागदेवता मंदिर, और ऊपर का व्यू देखो आप क्या बढ़िया है, बादल ही बादल छाए हुए। और ये है हम मेन रोड पर पहुंच चुके हैं, अगर हम ऊपर से आते हैं तो यहाँ मिलते हैं हम। तो भाई देखो इस गाँव में आते साथ ना पूरा वेदर ही चेंज हो गया। अभी मैंने आपको दिखाया था देहरादून हमारे गांव साइड कितना धूप तेज़ आ रही थी और गर्मी थी, और यहाँ पे देखो पूरे ठंडा और का बादल छा रखे पूरे। तो ये है आगे छोटा सा रिखोली गांव, तो ये है रिखोली गांव, यहाँ पे रोना है एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से गांव की। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं रिखोली गांव में, और ये है नाग देवता मंदिर का जो गेट है मेन, तो यहाँ से एंट्री है। और ये है छोटी सी दुकान, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं नाग देवता मंदिर के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चे, हेलो क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? तो ये ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद भी है, ले लो तुम। हाँ समोसे और मोमोज भी हैं, सब चीज़ मिल जाएगी। बहुत पहले आता ना तब नहीं था ये। तो फ्रेंड्स वैसे यहाँ पर ऊपर गाड़ी लाना अलाउड नहीं है, देखो सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे पार्क है। बाकी कुछ लोग ऊपर गाड़ी ले गए थे और गेट बंद हो गया था, तो फ़िलहाल अभी गेट खोल दिया गया है इनको निकलने के लिए बाहर, और ये गेट वैसे बंद ही रहता है। और ये देखो ये पढ़ लीजिए आप जब आओगे तो, यहाँ पर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये जो गेट है ये बंद रहता है वैसे, क्योंकि ये तभी खुलता है जब कोई बड़ी पूजा होती है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूंगा अभी कि किस टाइम पे आती होती है यहाँ पर पूजा, और यहाँ पे भंडारा भी होता है बहुत बड़ा, गांव वाले मिलके करते हैं, तो इसीलिए गाड़ी ऊपर ले आना वैसे अलाउड नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई कितनी होगी, 100 मीटर के आसपास होगी ज़्यादा। तो ये तो खड़ी चढ़ाई है और पक्का रोड है पूरा बना हुआ, अभी धुंधला क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट आधी चढ़ाई तो चढ़ी ली, अभी थोड़ा पसीने भी आ रहे, गर्मी लग रही, लेकिन वही है कि अभी धूप इतनी तेज़ नहीं है, पता नहीं चल रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार पूजा होती है यहाँ पर जो गांव वाले कराते हैं, तो एक तो जून में होती है, जून के टाइम 17-18 तारीख के आसपास, और बाकी एक होती है अगस्त में 8 अगस्त को। तो यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, तो गांव वाले तब पूजा करते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है पीछे, देखो ये पूरी चढ़ाई चढ़ के आए हम। तो अगर आप पूजा जब होती है उस टाइम आएंगे तो यहाँ पे गेट खुला मिलेगा आपको, तो अभी फ़िलहाल बंद है। वैसे तो गाड़ी लाना अलाउड नहीं ऊपर। तो भाई कैसा लगा नितेश भाई, बहुत चढ़ाई चढ़ के मज़ा आ गया भाई, लेकिन वही है भाई मंदिर कहीं जा रहे हैं
और चढ़ाई ना चढ़ी, मेहनत नहीं करी तो क्या फ़ायदा। सही बात है। और ये देखो हम पहुंच गए बात करते करते, देखो ये नाग देवता मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, और बहुत लोग जो ये गांव के लोग बहुत मान्यता है यहाँ पे इस मंदिर की, बहुत मानते हैं गांव के लोग इसको और दूर दूर से आते हैं। तो चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर। हाँ ये देखो यहाँ पे बकरियाँ गांव में। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत चेंज हो गया, पहले तो छोटा सा मंदिर था, और ये देखो यहाँ पे टावर लग चुका है मोबाइल का, और एक छोटी सी दुकान भी है ऊपर, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो फ़िलहाल चलते हैं हम उधर की तरफ। और देखो एक स्कूटी आ रही है यहाँ पे, तो लोग गाड़ी ला ही देते हैं यहाँ पे जैसे गेट खुला मिलता है। तो चलते हैं हम थोड़ा शॉर्टकट मार के। और ये देखो बकरियाँ, गांव की भेड़ बकरियाँ, तो भेड़ तो है नहीं फ़िलहाल, बकरियाँ हैं सारी। तो भाई यहाँ का ना एक अलग ही व्यू है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ऊंचाई पर है, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, मंदिर भी आते हैं और थोड़ा आसपास भी यहाँ पर बैठते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर बैठे, शांति मिलती है बहुत, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर में, थोड़ा दिखाते हैं आपको पास से। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, तो अभी हम जाएंगे अंदर और नाग देवता जी का आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम आगे से अंदर का जो मंदिर है, तो चलो फिर। हाँ मंदिर में अंदर अलाउड नहीं होता, हाँ अंदर अलाउड नहीं होता। पंडित जी कुछ बताओगे मंदिर के बारे में, कितना पुराना ये? पुराना तो हमें भी याद नहीं है भाई। हाँ वैसे मैं भी पैंसठ कम... साल की उम्र है हमारी, इससे कई पैंसठ साल पता, डेढ़ दो सौ साल, दो सौ साल पुराना है ये, यकीन करोगे? पहले तो छोटा सा था, फिर अब काफी बड़ा बना दिया है। पहले यहाँ था यहाँ छोटा सा जी, पत्थर वाला, बाद में बना पाँच में। अच्छा तो काफी बड़ा बना दिया मंदिर, टीन शेड भी डाल दिया। तो ये देखो भाई छोटा सा मंदिर यहाँ नीचे भी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया नाग देवता जी का, और प्रसाद चढ़ा दिया सब कुछ। और अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको ना बहुत ही सुकून मिलेगा, बिल्कुल शांति, बहुत शांत जगह ये, और यहाँ का ना व्यू भी बहुत बढ़िया है, यहाँ से पूरा दूर दूर का व्यू दिखता है पूरा देहरादून का, बट अभी थोड़ा सा धुंध सी हो रही है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, और बहुत लोग आ रखे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको अगर आप यहाँ पे आते हैं। बट ये है कि ये ना कोई घूमने की जगह नहीं है कोई ऐसे, मतलब ये धार्मिक जगह है मंदिर की, तो कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो कुछ गंदगी ना फैलाएँ, कुछ भी खाते पीते हैं तो कुछ भी आपका कबाड़ जो भी होगा तो वो वापस अपने साथ लेकर जाएँ, या तो फिर यहीं पर डस्टबिन बने हुए छोटे छोटे तो वहाँ पर डालें, गंदगी ना फैलाएँ। तो बस बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम ख़त्म एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय। तो दोस्तों यहाँ पर काली माता जी का मंदिर बना है नया, वैसे बहुत पुराना होगा ये पहले, लेकिन ये बड़ा बना है अब, तो ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में ये मंदिर है।
रिखोली गांव के पास, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, ये गांव वाले आते हैं ज़्यादातर।